गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट टाइम आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीनोमियल्स के चैप्टर, पॉलीनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 में इसके चूज करने के लिए पॉलीनोमियल है या नहीं। मैं पहला क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था पॉलीनोमियल्स किस एक्सप्रेशन किस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। इसमें हम लोग उसी चीज़ को फिर से देखेंगे ये पॉलीनोमियल है या नहीं। यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें चूज करना है पॉलीनोमियल के लिए। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिग्री कितना है, इस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री है 2। इसका मतलब डिग्री जब 2 है तो क्या है, होल नंबर। 2 क्या है, होल नंबर। और मैंने उसमें बताया था किसी भी पॉलीनोमियल का अगर डिग्री होल नंबर पे हो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर 2/3 होता है, x पावर -1 होता है, x पावर कहीं भी इंटरसेक्शन में हो या रूट में अगर आता है फिर भी नहीं होगा। यहाँ पर लेकिन होल नंबर है, होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो ये आपका पॉलीनोमियल है, ये यस ठीक है, ये पॉलीनोमियल है ठीक है। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी इसका डिग्री कितना है, 3। डिग्री क्या होता है, मैंने बताया था पहला क्लास में डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन का पॉलीनोमियल का डिग्री को कहा था इसका सबसे ग्रेटेस्ट पावर। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर इस पॉलीनोमियल का सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 3 है। ये भी होल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी पॉलीनोमियल है। चलिए इसमें देखते हैं ये जो पॉलीनोमियल है या नहीं। इसमें देखिए ये है पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि नहीं है, क्योंकि इसको अगर पावर रूट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x का पावर 1/2 हो जाएगा। जब रूट को हटाएंगे 5x का पावर 1/2 का एलर, ये पॉलीनोमियल भी 1/2 आ गया जो कि फ्रैक्शन में आ गया। और इस कारण से क्या होगा, ये पॉलीनोमियल नहीं है। लेकिन 4 नंबर में भी वही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, 2x का पावर 1/3 लिखेंगे रूट को हटाएंगे तो प्लस एलर, ये भी क्या हो गया, 3, ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। आगे और सब प्रॉब्लम है तो 11 तक प्रॉब्लम है, इसमें आप उसको कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ डिग्री इसमें निकालना है। चलो बच्चों आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब पॉलीनोमियल है कंफर्म है, ये पॉलीनोमियल इसका डिग्री लिखना है। चलिए इसमें ग्रेटेस्ट डिग्री कितना है, इसमें 1, अगर एस का पावर कुछ नहीं होता है सब लोग बात पे 1 आता है, जैसे हम लोग 2 लिखते हैं इसका मतलब क्या है, बाय में 1 होता है हमने लिखता नहीं ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक्स लिखा हुआ है अगर इसका मतलब यहां यहां से 2x लिखा हुआ है इसका मतलब डिग्री 1 है। अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है इसमें भी डिग्री है, इसका डिग्री 0 है। अब देखिए 2 एस का पावर 0 का कितना होता है, 1/2 आ गया 2। इस टाइप से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग समझ जाएंगे डिग्री कितना है। इसमें क्या है, इसमें डिग्री कितना है, इसका 1 है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 1। इसी टाइप से इसका लिखेंगे, इसका डिग्री कितना होगा, इसका ग्रेटेस्ट पावर यानी किसी पॉलीनोमियल का सबसे बड़ा पावर कितना है, इस पॉलीनोमियल का सबसे बड़ा पावर कितना है, इसका 1 है, यहां पे 2 है, इसमें तो इसका पावर 0 ही है, ये कितना होगा, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री हो जाएगा आपका 2। उसी टाइप से इसमें देखते हैं इसमें कितना है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, 1, यहाँ पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा कितना है, इसमें 3 है, इसका डिग्री हो जाएगा आपका 3। यार इसमें देखना है इस पॉलीनोमियल में तो सबसे ज्यादा डिग्री कितना है और वही उसका सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट उसका पावर कितना है वही उसका डिग्री होता है ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं इसके बाद। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x इन x क्यूब 7 x का पावर 9 x का 7, इस पॉलीनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट यहां पे x है उसके साथ कांस्टेंट टर्म ये है, कांस्टेंट टर्म ये हो गया इसका कोफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x इन x x क्यूब 7 x का पावर 9 x का 7 का इक्वल टू 9। इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन x टू द पावर 4 प्लस 7x प्लस 7x क्यूब प्लस 9x का प्लस 11, इसमें डिग्री कितना है, 4 है, ये हो गया आपका इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का पूछ रहा है ना, कोफिशिएंट x स्क्वायर यहां पे इसका कोफिशिएंट टर्म कितना है 9, इसका भी होगा 9। इसी टाइप से अगला भी प्रॉब्लम है उसमें भी कोफिशिएंट इसी टाइप से जितना का पूछेगा उसका मल्टीपल क्वेश्चन टर्म कितना है वो आप लिख दीजिएगा तो वही उसका कोफिशिएंट का होता है। अब आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, इसमें चूज करना है। तो देखना इसमें डिग्री पे आधारित है, अगर इस
जिसका डिग्री 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल है। जिसका डिग्री कितना है, जिसका डिग्री 2 है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। और ये इसका डिग्री कितना बच्चों, इसका डिग्री कितना है, 4 है, ये क्या हुआ बाइपार्टिक पॉलीनोमियल। इस टाइप से